हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग टर्म में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने मैथ के कुछ क्वेश्चन बनाए थे, आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन देखें। फ्रेंड्स, एक गाय को एक 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे पर बांधा गया है। गाय कितने क्षेत्रफल में चल सकती है? फ्रेंड्स, एक गाय के को एक 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे में पर बांधा गया है। गाय कितने क्षेत्रफल में चल सकती है? फ्रेंड्स, देखिए, यह एक खूंटा है। इस खूंटे से 14 मीटर की रस्सी है पे बांधा गया है गाय, तो ये कितना क्षेत्रफल लेगी? फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखेंगे कि अपने चारों ओर घूम सकती है। फ्रेंड्स, यानी कि ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, तो ये हमारा क्या बन गया फ्रेंड्स? सर्कल बन गया फ्रेंड्स। अब सर्कल का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आर बराबर हमारा हो गया 14 और पाई 22/7 ले सकते हैं, या तो 3.14। आर हमारा 14 × 14 फ्रेंड्स, 7 × 2। इन सब को गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 616 वर्ग मीटर। आंसर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, 100 रुपये की लागत वाली कलम का मूल्य 2 वर्ष पश्चात क्या होगा यदि उसकी कीमत पर हर वर्ष 10% मूल्य हर्ष हो, या हर्ष यानी कि घटना। फ्रेंड्स, हर्ष हो दिया हुआ फ्रेंड, 100 रुपये अभी दाम है, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा अगर 10% पर हर्ष हो रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए, 1 वर्ष बराबर 100। अब बोला गया फ्रेंड्स हर वर्ष, तो पहले वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, 10% इससे निकालेंगे। 100 का 10% फ्रेंड्स 10 है, अब 100 − 10 कर देंगे आ जाएगा 90। अब फ्रेंड्स दूसरे वर्ष जब आएंगे तो 90 का 10% फिर से निकालेंगे, 9 = 9। अब 90 में से 9 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 81 हमारा आंसर। इसी तरह से अगर 3 वर्ष बोलता तो हम लोग 3 करते, 81 × 10% कर देते फ्रेंड्स, काट देते तो हमारा आंसर आ जाता। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखें, राम की आयु श्याम से 3 गुना है, 5 वर्ष के पश्चात राम की आयु से आधी होगी, श्याम की वर्तमान आयु क्या है? तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें, राम की आयु श्याम से 3 गुना है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इधर लिखेंगे, फिर x नीचे लिखेंगे, समझें कि ये राम है और ये श्याम है। अब लोग हैं फ्रेंड्स, राम की आयु श्याम से 3 गुना है, तो राम की आयु 3 गुना है, इसका 1 गुना है, इसकी से 3 गुना है, राम की आयु श्याम से 3 गुना है, तो 3 से गुना कर दिए, 1 से गुना कर दिए। 5 वर्ष के बाद बोला गया फ्रेंड्स, इसलिए प्लस पाँच वर्ष, अगर पिछले 5 वर्ष बोलता तो माइनस कर देते। अब बोला गया फ्रेंड्स श्याम की आयु से के पश्चात श्याम की आयु से आधी होगी, 5 वर्ष के पश्चात श्याम की आयु से आधी होगी, श्याम से 3 गुना है, 5 वर्ष बाद श्याम से 3 गुना है, तो आधी होगी, यानी कि क्या होगा फ्रेंड्स, राम की आयु श्याम से 3 गुना है, ये राम है, ये श्याम है, 3 गुना है, 5 वर्ष के बाद पश्चात श्याम की आयु से आधी होगी।
फ्रेंड्स आधी बोली जा रही है, यानी कि हम इसे दो लिख सकते हैं, इसे एक लिख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं इसे ठीक से कर देता हूँ, हम श्याम को ही ऊपर रखते हैं, श्याम वन और राम को नीचे कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, श्याम की आयु राम से आधी हो जाएगी, क्रॉस कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये इसे गुना हो जाएगा 2x + 10 = 3x + 5। 3 इधर जाकर माइनस होगा तो x बच जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस होगा तो 5। तो अब बोलेंगे फ्रेंड्स, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो श्याम ये वाला है, 5 यहाँ रख देंगे फ्रेंड्स, 5 × 10 आंसर 5 + 5। थैंक यू।